सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई एक दिन वीडियो नहीं बनाया भाई, कैमरा उठाया नहीं। और कैमरा क्यों नहीं उठाया ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ पहले, क्यों? क्योंकि लेट हो गए। और लेट उठे क्यों? रात में नींद ही नहीं आई। रात को 3 बजे नींद, 2 घंटे सोए केवल, ओनली 2 आवर्स। और क्यों सोए, क्यों नहीं बनाया कल वीडियो, और एक दिन आज का वीडियो कल आएगा, मतलब आज कोई वीडियो नहीं आएगा मंडे को, क्यों नहीं आएगा जब आपको बताते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है? और मतलब कि समझ लो कल सुबह से ही वो परेशानी हो गई थी जो शाम को जाके सही हुई। तो कल आपको ब्रेकफास्ट के बताते हैं क्या हो गया था, वो ब्रेकफास्ट कर लें पहले, नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलो चलो भाई देखते हैं ब्रेकफास्ट में है क्या, क्या बना भाई ब्रेकफास्ट में आज? फ्रूट्स। चलो भाई, तो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है और समय आ गया आपको बताने का कि कल वीडियो क्यों नहीं बनाया और मोबाइल क्यों नहीं उठाया। तो वजह ये थी, कल सुबह जब मैं सो के उठा, आँख खुली मेरी और उठने की कोशिश करी तो मेरी इस गर्दन की नस पूरी चढ़ गई। मतलब ये सर है जो मेरा ऐसे हो गया, अब मैं सर को इस तरह मूव करता तो यहाँ फूल जाता और बहुत दर्द, बहुत हद से ज़्यादा दर्द था। तो मतलब मैं इतना दर्द में था कि कल मैं उठा ही नहीं। फिर मैं मतलब ये समझ लीजिए 12 ऑफिस तो गया नहीं कल, और 12-1 बजे तक जैसे मूव लगवाया, आयोडेक्स वगैरह बहुत सी चीज़ लगवाई, दवाई भी ली दर्द की, लेकिन आराम नहीं मिला। 1 बजे हल्की सी नींद आई और 2 घंटे के लिए सोया, उसके बाद फिर उठा मैं 4 बजे, फिर दर्द वही, गर्दन इधर नहीं हो पा रही, उठ ही नहीं पा रहा था। फिर मैं जिम भी कैंसिल कर दिया, जिम करूँगा जाके यार, उठ ही नहीं पा रहा तो दर्द दे रहा तो जा ही नहीं पाऊँगा। तो उसका फ़ोन आया भाई ट्रेनर का, अशोक भाई का, अपने आओ जल्दी आओ। तो अपन फिर चले गए जिम, और जिम पहुँच के तो भाई ने बढ़िया एक्सरसाइज करवाई, और तरीके से बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज कराई उसने कि डंबल से उठवाया, जो पता नहीं क्या हुआ कि साला 15 मिनट में पूरी नसें सही हो गई, पूरा दर्द सही हो गया, और पूरी गर्दन जो देखो पूरी मूव होने लगी। वाह यार, मैं तो जा ही नहीं रहा था जिम, नहीं जाता तो अभी भी आज भी जा पाता ऑफिस, ऐसे पड़ा रहता, समझ रहे? इसलिए वर्कआउट से ही जो हो जाए, वर्कआउट से ही हुआ, वर्कआउट करने नहीं जा रहा था मैं, ये थी वजह कल कैमरा ना उठाने की। चलो लेट हो गया, अब जल्दी चलते हैं ऑफिस। और कल ऑफिस नहीं गए थे तो काबल थोड़ा काम हुआ था ऑफिस में, और आज देखो क्या होता है। चलो ये देखो, ये हमसे पहले जाता है, ऊपर रहता है, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा और नीचे जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, ऐसे देखो ऐसे मटकते हुए निकलेगा अभी। चलो भाई चाबी उठाए गाड़ी की, चाबी लगी है, चलो चले हम आते हैं अभी, है तुम बैठो। दो बार बुलाने गया ऊपर। चलो अपन तो पहुंच चुके हैं घर पे। अरे टफी टफी, अरे ऊपर लेटा टफी हमारा। चलो कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे ऊपर। ये देखो ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा तुम बेटा? टफी को देखें, टफी तो आराम से सो रहा है एसी में, यही कह रहे हैं सब लोग। अरे तुम सो रहा था, तुम तो कैसे गया? ये देखो हमारा टफी तो सो रहा था, तुम कैसे जग गया? आ जाओ हम मेरा बेटा, आ जाओ जम, टफी टफी जम, जम जम, वेरी गुड, कारी कर जल्दी, इस साइड भी, इस साइड भी। चलो चलो भाई करते हैं थोड़ा सा आराम और देखते हैं क्या बना है। काप्स थोड़ा सा लेना है तो राइस लेंगे, थोड़ा सा राइस बने होंगे तो चल देखते हैं क्या बना है, थोड़ा खाते हैं फ्रेश कर, रेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रात में सो नहीं पाए, इसलिए अब थोड़ा सा 2 घंटे कम से कम सोएंगे, उसके बाद जाएंगे वर्कआउट करने। चलो तो भाई अपन तो हो चुके हैं फुल तरीके से रेडी और चलते हैं यहाँ से वर्कआउट करने के लिए, टाइम हो चुका है वर्कआउट का,
हम निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं आज कौन सी वर्कआउट होती है। आज मेरे ख्याल से चेस्ट वर्कआउट है, देखते हैं किस तरह से वर्कआउट कराते हैं भाई। और सबसे पहले तो नीचे चलते हैं, दो बनाना लेते हैं वैसे रोज की तरह, वो दो दो नेसेसरी खाना, उसके बाद फिर अपना जिपर उठाते हैं और निकल देंगे भाई। 5:30 पर जाते हैं यार, 8 बजे तक जिम करेंगे ताबड़ तोड़ तरीके से, है ना। चलो चलो भैया बंद कर देते हैं लाइट, जहाँ भी आप लोगों की सुन लीजिए, अगर कमरे में नहीं है आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी लाइट और पंखा रूम का जरूर बंद करिए, इससे बहुत सारी बचत कर सकते हैं। चलो यही तो आदत है भाई, जब भी मैं रूम से निकलूँगा चाहे नीचे भी जा रहा हूँ लेकिन लाइट और पंखा बंद करके निकलूँगा। चलो अपन उठाते हैं अपने बनाना, आज तो बड़े बड़े हैं काफ़ी भाई, बढ़िया ताज़ा फ्रेश रखें। चलो ये देखो ये सो रहे हैं आप, तो भाई यहाँ से जल्दी कट लेते हैं। चलो अपनी वर्कआउट तो खत्म होने वाली है, बस एक सेट रह गया भाई, एक सेट लगा दें, मस्त मस्त वर्कआउट हुई आज, एक सेट लगा दें बस लगाएंगे बन। 7:30 कॉन्सेंट्रेशन भाई, अपनी एक्सरसाइज हो चुकी है फिनिश, लास्ट सेट था 7:30 तक मूवी लगा दी है, चलते हैं भाई अब ना रोटी लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, चलते हैं। अपन तो घर आ चुके हैं, उफ बहुत गर्मी है यार, मतलब कि रास्ते भर पसीने आता रहा, देखो कैसा हाल हो रहा है, मतलब कि हवा चल नहीं रही बाहर और गर्मी के मतलब तापमान बढ़ रहा, रात में भी टेम्परेचर बढ़ गया और प्रचंड गर्मी आने वाली है, और हमारा टफी भी नीचे नहीं जाना चाहता, देखो टफी तुम भी जाना चाहते ना नीचे, बता दो हम नीचे नहीं जाएंगे, बोल दो जल्दी नहीं जाएगा ना नीचे, बोलो नहीं नो। चलो ये भी नीचे नहीं जाना चाहता, जल्दी से शावर लेते ठंडे पानी से, मस्त मज़ा आ जाएगा, बोलो ठंडे पानी से शावर लेंगे फिर जाएंगे डिनर करने। चलो तो भाई अपना डिनर हो चुका है, और डिनर में अपन रात में तो ज़्यादा कम ही खाते हैं, दो रोटी थोड़ी सब्जी और कुछ मीठा हो थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, 2 चम्मच खीर बनी हुई थी आज एक्चुअली, तो खीर की 2 या 3 चम्मच मैंने खाई, मीठा ज़्यादा खाता नहीं हूँ ऐसे स्वाद के लिए, और अब बस सोने की तैयारी है और सोएंगे, कल ऑफिस भी जाना है फिर सोते हैं। चलो करते हैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म, जो भी वीडियो पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करिए, टिल देन पीस।